So, hello everyone. This is CS Anindya Saraf, and I am a faculty at the WIRC Mumbai, that is the Western Institute of Chartered Accountants of India. And again, I am also a faculty, visiting faculty at New Delhi, visiting faculty at Assam, and again visiting faculty across the other places in the country, right? अब आज जो हम लोग करने वाले हैं, आज हम लोग एक फटाफट, एक फास्ट ट्रैक रिविजनरी करने वाले हैं अपॉन द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, एक ऐसा टॉपिक जो नॉर्मली स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशान करता है. सो आज हम लोग एक फास्ट ट्रैक रिविजनरी स्टडी करने वाले हैं रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, एंड कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट स्टैंडर्ड्स के अंदर हमें मिले और साथ साथ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी थोड़ी बहुत मिले. सो टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, अगेन दिस इज अ टॉपिक जो स्टूडेंट्स को बड़ा परेशान करता है, बट बिलीव मी बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है. इट्स जस्ट दैट कि हमें समझ नहीं आ रहा होता कि कॉन्सेप्चुअली हम इस टॉपिक को कैसे स्टडी करें और अगेन नोट्स कौन से फॉलो करें. तो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के लिए पहले मैंने आपके साथ एक स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग का नोट शेयर किया था, एक नोट शेयर किया था, सुपर 85 पेजेस समरी शेयर करी थी, एक सुपर 85 पेजेस समरी शेयर करी थी, राइट. जिन लोगों ने अभी तक नोट डाउनलोड नहीं भी करे हैं, तो आप जब वीडियो देखोगे तो उस वक्त आप क्या कर सकते हो, आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो. अब हम क्या करेंगे, ये जो 85 पेजेस समरी मैंने आपको प्रोवाइड करा था, इसी 85 पेजेस समरी में से जो भी एग्जाम के लिए अब मोस्ट रेलिवेंट चीजें रहेंगी अलॉन्ग विद ए कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन, वो हम लोग आज के सेशन में करने वाले हैं, वो हम लोग आज के सेशन में करने वाले हैं. एंड ये 85 पेजेस का समरी आपके पूरे प्रैक्टिस मैनुअल को बहुत अच्छे से कवर करता है, तो आपको उस चीज की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, राइट. अब स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग की बात करें, तो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के अंदर तीन चार अलग अलग एरियाज आप देखते हो. एक आप देखते हो एसेज, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग. एक आप देखते हो SRE, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट. एक आप देखते हो SAE, दैट इज स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स. एंड फिर आप देखते हो SRS, दैट इज स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज. तो ये चार अलग अलग ब्रॉड एरियाज आप देखते हो, एक स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग एसेज, एक SREs, दैट इज स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स, फिर हमारा SAE, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स, एंड ऑल्सो वी हैव SRS, दैट इज स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज. और इन चारों को कंबाइंड मैनर में हम लोग नाम देते हैं एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स. क्या नाम देते हैं? एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स. इन चारों को कलेक्टिव मैनर में हम लोग नाम देते हैं एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स. अब ये जो स्टैंडर्ड्स है कहाँ से आया, ये जो स्टैंडर्ड्स है कहाँ से आया, स्टैंडर्ड्स का ओरिजिन क्या है, स्टैंडर्ड्स का सोर्स क्या है, क्यों मुझे स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग कंप्लाई करना है, स्टैंडर्ड्स को प्रिस्क्राइब कौन करेगा, तो उसके लिए कंपनीज एक्ट में लिखा गया है सेक्शन 143 सबसेक्शन 9, जिसके अंदर कहा गया है ऑडिटर शुड कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग. तो 143 सबसेक्शन 10 में क्या कहा गया है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब दिस स्टैंडर्ड्स. तो इसका मतलब सर, आज के टाइम में जो भी स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग है, क्या उसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है? द आंसर इज नो. अभी तक जनरली जो स्टैंडर्ड्स है उसे ICI नहीं प्रिस्क्राइब किया है. तो 143 सबसेक्शन 10 में आगे ये भी लिखा हुआ है कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट सारे स्टैंडर्ड्स को प्रिस्क्राइब ना कर दे, तब तक जो स्टैंडर्ड्स ICI ने इशू करे थे वही सारे स्टैंडर्ड्स वैलिड होंगे. ओके, तो ये तो कुछ बेसिक सा इंट्रोडक्शन था स्टैंडर्ड्स के बारे में, बेसिक इंट्रोडक्शन. नाउ काफी सारे स्टूडेंट्स की क्वायरीज होती है, क्वायरीज क्या होती है कि सर ये जो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग है क्या हमें इनके नाम और नंबर याद रखने हैं क्या? जैसे हम देखें अगर SA 200 का नाम, तो सर बहुत ही बड़ा नाम है सर,
overall objectives of the independent auditor and the conduct of an audit in accordance with standards of auditing. तो स्टूडेंट्स की क्वायरीज होती है कि क्या सर हमें ये नाम और नंबर पूरे याद रखने हैं क्या? तो मेरा रिकमेंडेशन हमेशा रहता है यस, बिल्कुल याद रखना है. एंड उसे याद रखना बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं होता. नॉर्मली जो हम लोग क्लासेस में भी स्टडी करते हैं स्टैंडर्ड्स को, तो स्टूडेंट्स का फीडबैक यही आता है कि सर ये तो क्लासेस में याद हो गया. तो एज सच इट इज़ नॉट सो डिफिकल्ट टू लर्न द नेम्स एंड नंबर्स ऑफ द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग. लेकिन अब जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम मई 18 में है, नवंबर 18 में है एंड लेटर ऑन है, उनको अगर मैं बोलूँ कि हाँ भैया आपको स्टैंडर्ड्स याद रखना है, स्टैंडर्ड्स के नाम याद रखने हैं, स्टैंडर्ड्स के नंबर याद रखने हैं, आपके पास सफिशियंट टाइम है कि आप उसे याद रख सको. जिन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम नवंबर 17 में है, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको नाम नंबर याद रखने हैं, अगर आपने अभी तक याद नहीं किया है तो ऑब्वियस चीज़ है, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर यू. इट इज़ अ प्रॉब्लमैटिक थिंग फॉर यू कि अगर अभी तक आपने स्टैंडर्ड्स के नाम नंबर याद नहीं करे है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप एग्जाम के छुट्टी वाले टाइम में, हॉलीडेज वाले टाइम में आप नाम नंबर याद रख सको. सो आपके लिए मैं लेके आया हूँ एक ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन. जिन स्टूडेंट्स को नाम नंबर याद नहीं हो पा रहा या जिन्होंने याद किया है बट एग्जाम में वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा नंबर था, तो उनके लिए मैं लेके आया हूँ एक ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन. कि आप कैसे आंसर को लिखोगे, तो इस सिचुएशन में आप आंसर को कुछ इस तरीके से लिखोगे, एज पर द इन्वर्टेड कोमा के अंदर एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स issued by ICAI, that is the Institute of Chartered Accountants of India, और उसके बाद आपके जो भी पॉइंट्स हैं आप वो लिखोगे. सो दिस इज द ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन दैट यू हैव टू यूज अगर आपको ऐसे का नाम नंबर याद नहीं आ रहा. राइट नाउ अपने पास टाइम बहुत ही कम है, अपने को स्टैंडर्ड्स फटाफट रिवाइज करना है. बट स्टैंडर्ड्स का जब अगेन मैं रिवीजन करूंगा, आइडियली जो सीक्वेंस आप लोग देखते आए हो हमेशा 200 से स्टार्ट हो रही है, वो सीक्वेंस मैं फॉलो नहीं करने वाला, वो सीक्वेंस मैं थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ फॉर बेटर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. राइट तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हम लोग देखेंगे ऐसे 210 एग्जाम के इंपॉर्टेंस के हिसाब से भी और लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भी हम सीक्वेंस को थोड़ा सा ऑल्टर करेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे ऐसे 210, दैट इज agreeing the terms of audit engagement. बहुत ही सिंपल स्टैंडर्ड है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा सिंपल स्टैंडर्ड है. सो ऐसे 210 agreeing the terms of audit engagement, बहुत सिंपल स्टैंडर्ड है, लॉजिकल स्टैंडर्ड है. इट्स द फर्स्ट स्टेप फॉर आर स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग. लॉजिकल से चीज़ सोचो, आप ऑडिट लेने जा रहे हो, मतलब ऑडिट का काम एक्सेप्ट करने वाले हो, सीए बन चुके हो, ऑडिट का काम एक्सेप्ट करने वाले हो, सबसे पहला स्टेप क्या होने वाला है? आप क्लाइंट के पास जाने वाले हो कि भैया मेरे को काम दिला दो, या क्लाइंट आपके पास आने वाला है कि सर जी काम दे दो, काम ले लो मेरा, प्लीज बी आर ऑडिटर्स, क्या होने वाला है? यू आर गोइंग टू गो टूवर्ड्स द क्लाइंट, अप्रोच द क्लाइंट, प्लीज गिव मी सम वर्क, या फिर योर क्लाइंट इज गोइंग टू कम एंड रिक्वेस्ट यू टू एक्सेप्ट द ऑडिट, क्या होगा? सर सर सर, सेकेंड वाला ऑप्शन होगा, मेरा क्लाइंट आएगा और मुझे रिक्वेस्ट करेगा कि सर जी ऑडिट एक्सेप्ट कर लो. बिल्कुल सही बात है, क्लाइंट आएगा और मुझे रिक्वेस्ट करेगा कि सर जी ऑडिट एक्सेप्ट कर लो. अब उस सिचुएशन में जब क्लाइंट आएगा और मेरे को रिक्वेस्ट करेगा कि ऑडिट एक्सेप्ट कर लो, क्या मैं एकदम से ऑडिट एक्सेप्ट कर लूँ क्या? सोच के देखो, मैं एकदम से ऑडिट एक्सेप्ट कर लूँ क्या या कुछ कंडीशंस इंपोज करूँ? बताओ, एकदम से ऑडिट एक्सेप्ट कर लूँ या कुछ कंडीशंस इंपोज करूँ, क्या करूँ मैं? आप बोलोगे सर कुछ कंडीशंस तो डेफिनेटली इंपोज करेंगे. क्या कंडीशंस इंपोज करेंगे? एक ऑडिटर क्या करना चाहेगा? एक ऑडिटर ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले अपने आप को सेफगार्ड करना चाहेगा. सेफगार्ड किस तरीके से करना चाहेगा? वो क्लियर कट वे में ये चीज डिसाइड करना चाहेगा कि वो क्लियर कट वे में इस चीज को अच्छे से क्लियर करना चाहेगा कि व्हाट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड व्हाट इज द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज. फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे को बताना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना किसका काम है? मैनेजमेंट का काम है. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट करना किसका काम है? मैनेजमेंट का काम है. कल को यह कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं आनी चाहिए कि अरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर ने बनाया था,
या अरे कंट्रोल्स के इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम थी तो यहां पे ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. नो, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. लेट मी क्लियर दैट, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. इट्स द मैनेजमेंट जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इट्स द मैनेजमेंट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. इसीलिए ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले मैं प्री कंडीशन एंटर करूंगा मैनेजमेंट के साथ. क्या करूंगा? प्री कंडीशन एंटर करूंगा मैनेजमेंट के साथ कि मैं तुम्हारा ऑडिट तभी एक्सेप्ट करूंगा अगर तुम मेरे को राइटिंग में लिख के दो. क्या लिख के दो? कि एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हमने एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज करा है इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक कंपनी को ऑडिट करने जा रहा हूं तो मैनेजमेंट मेरे को क्या लिख के देगी? हमने बैलेंस शीट शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाया है, हमने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करे हैं, हमने एक्सेप्टेबल FRF यूज किया है. दूसरी चीज, अब हमें क्या लिख के दोगे? नेसेसरी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स आर इंप्लीमेंटेड टू एंश्योर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम फ्रॉड्स एंड एरर्स. हमने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छे डिजाइन करे हैं, हमने अच्छे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स, इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स डिजाइन करे हैं. एंड थर्ड थर्ड थर्ड, हम ऑडिटर्स को सारा एक्सेस देने वाले हैं टू ऑल द रिकॉर्ड्स, ऑल द इंफॉर्मेशन. हम एडिशनल इंफॉर्मेशन भी ऑडिटर को देने वाले हैं और अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस देने वाले हैं टू द ऑडिटर्स विद इन द एंटिटी. आप याद करो, जब आप कंपनी ऑडिट पढ़ते हो तो कंपनी ऑडिट पढ़ते वक्त आपको मिलता है 143 सबसेक्शन 1. क्या लिखा है 143 सबसेक्शन 1 में? 143 सबसेक्शन 1 में लिखा है राइट ऑफ द ऑडिटर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, राइट ऑफ द ऑडिटर टू विजिट द प्रीमाइसेस ऑफ द एंटिटी. तो उसी राइट को इन्फोर्स कराने के लिए मैं ये प्री कंडीशन ले रहा हूं मैनेजमेंट से. इसी राइट को 143 सबसेक्शन 1 में जो राइट मिला है मुझे टू ऑब्टेन ऑल द इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन टू विजिट द प्रीमाइसेस ऑफ द एंटिटी, उसी राइट को इन्फोर्स कराने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? प्री कंडीशन ले रहा हूं मैनेजमेंट से, लिखित में ले रहा हूं कि भैया तुम मुझे सारे रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करोगे, सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे, अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पर्सन प्रोवाइड करोगे. तो सबसे पहले मैंने ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले क्या किया? मैंने प्री कंडीशन रखी मैनेजमेंट के सामने. अगर तुम मुझे राइटिंग में 3 चीजें दे देते हो, पहला, हमने FRF को अच्छे से यूज किया है, एक्सेप्टेबल FRF यूज किया है इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स प्रॉपर है, एंड तीसरा, हम आपको पूरा एक्सेस देने वाले हैं. अगर आप ये 3 चीज़ हमें लिख के दे देते हो तो हम आपको ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे, वरना हम ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे. अगर ये 3 चीज़ वो मेरे को राइटिंग में दे देता है, मैं ऑडिट एक्सेप्ट कर लूंगा और फिर मैं एंटर करूंगा मैनेजमेंट के साथ एक एंगेजमेंट लेटर. क्या एंटर करूंगा? एंगेजमेंट लेटर, राइट. अब इस एंगेजमेंट लेटर में लॉजिकल सी चीज़ हम क्या लिखने वाले हैं? लॉजिकल सी चीज़ सोचो, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, मेरा स्कोप क्या है, मेरी ऑब्जेक्टिविटीज़ क्या है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, मेरा स्कोप क्या है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, हम कौन से FRF के हिसाब से काम करने वाले हैं, मेरा रेमुनरेशन कितना मिलने वाला है मुझे, मेरा फीस कितना मिलने वाला है. तो ये सारी चीज़ें मैं एंगेजमेंट लेटर में लिख लूँगा, ठीक है. ये सारी चीज़ें मैं एंगेजमेंट लेटर में लिख लूंगा. तो क्या क्या चीज़ें लिख ली मैंने? मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा स्कोप क्या है, मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, मुझे रेमुनरेशन कितना मिलने वाला है, कौन सा FRF फॉलो करने वाले हैं. ये सारी चीज़ें हम अपने एंगेजमेंट लेटर में लिख लेंगे, बढ़िया से एक एंगेजमेंट लेटर ड्राफ्ट कर लेंगे. ओके, अब शुरू शुरू में मैनेजमेंट ने क्या किया था? मेरे को प्री कंडीशंस के हिसाब से राइटिंग में, लिखित में लिख के दिया था कि मिस्टर ऑडिटर, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एक्सेस टू ऑल रिकॉर्ड्स एंड इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पर्सन्स विद इन द एंटिटी. लेटर ऑन पता चला कि मैनेजमेंट क्या कर रही है रैकरिंग ऑडिट के केस में मैनेजमेंट रिक्वेस्ट कर रही है टू चेंज द टर्म्स,
जैसे प्री कंडीशंस के हिसाब से हमने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में क्लियरली लिख दिया था, टर्म्स एंड कंडीशंस लिख दिए थे कि मैनेजमेंट मेरे को सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड देगा करेगा। लेकिन अब मैनेजमेंट क्या कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है कि सर जी हम टर्म्स चेंज करना चाहते हैं, हम टर्म्स चेंज करना चाहते हैं, लेट अस से कि हम आपको अब इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, हम आपको इनकम टैक्स रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो सवाल उठता है मैं एज अ ऑडिटर क्या करूँ। अब आप क्या सोच रहे हो, सर जी ऐसे कैसे वो मेरे को प्रोवाइड नहीं करेगा इनकम टैक्स रिकॉर्ड, मैं तो अब भी कभी विड्रॉ कर लेता हूँ। यही आ रहा ना आपके दिमाग में, अब भी कभी विड्रॉ कर लेता हूँ। अरे यार विड्रॉ करने से पहले लॉजिकली सोचो, सीधा विड्रॉ कर लोगे क्या कि मैनेजमेंट से जस्टिफिकेशन मांगोगे, जस्टिफिकेशन मांगोगे ना। और पहले तो ये देखोगे कि उस टर्म्स को चेंज करने की वजह से, उस टर्म्स को चेंज करने की वजह से क्या आपके एश्योरेंस लेवल में कोई डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर उस टर्म्स को चेंज करने की वजह से आपके एश्योरेंस लेवल में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा तो ऑब्वियसली यू डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। लेकिन अगर उस टर्म्स को चेंज करने की वजह से वो मेरे लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस के लेवल को कम कर रहा है, क्या कर रहा है, एश्योरेंस के लेवल को कम कर रहा है, अभी भी मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड विड्रॉ नहीं करूंगा। लॉजिकली सोचो, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड विड्रॉ नहीं करूंगा, मैं मैनेजमेंट से पूछूंगा क्यों तुम मेरे टर्म्स को चेंज करना चाहते हो। मैं रीजनेबल जस्टिफिकेशन मांगूंगा, क्या मांगूंगा, रीजनेबल जस्टिफिकेशन मांगूंगा। अगर वो रीजन जस्टिफाइड है आई विल कंटिन्यू, अगर रीजन जस्टिफाइड नहीं है देन आई विल कंसिडर द पॉसिबिलिटी ऑफ विड्रॉवल। अब आप बोलोगे सर जी ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा क्या ग्राउंड हो सकता है कि मैनेजमेंट मेरे को बोलेगा कि अरे हम तेरे को इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स नहीं देंगे और वो रीजनेबल कैसे हो सकता है। अरे हो सकता है ना सारे बुक्स जल गए हों, कोई अर्थक्वेक हो गया हो, कोई फायर हो गया हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बुक्स को सीज कर ली हो, एंड इन दैट इवेंचुअलिटी वो मेरे को रिकॉर्ड्स नहीं दे पा रहा। तो कोई बात नहीं, जस्टिफाइड रीजन है, मैं कंटिन्यू करूंगा आगे चल के, ऑडिट रिपोर्ट में जो भी इंप्लीकेशन रहेगा कंसिडर करूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है। तो चेंज इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, मार्क दिस इज इंपॉर्टेंट, चेंज इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। व्हेन ए क्लाइंट रिक्वेस्ट द ऑडिटर टू चेंज द टर्म्स इन द ऑडिटर्स एंगेजमेंट, he should consider whether that provide lower level of assurance. If the proposed terms do not convey a lower level of assurance, he should not agree. यहां पे आएगा if the proposed terms do convey a lower level of assurance, क्या आएगा, do convey a lower level of assurance, तो he should not agree unless reasonable justification is given by management, and if the reasonable justification is not given by management, देखना हमेशा क्या wordings use होती है, withdraw if legally permissible, कभी भी पूरे audit में आप ये नहीं लिखते withdraw कर लूंगा, हमेशा आप wordings use करते हो withdraw if legally permissible, and consider the need to report the circumstances to board of directors or shareholders or regulatory authorities. ठीक है, अगला सवाल, मैंने टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट बना दिया, बिल्कुल बना दिया, एक एंगेजमेंट लेटर तैयार कर दिया, उस एंगेजमेंट लेटर में काफी सारी चीजें लिख दी, सारे टर्म्स लिख दिए, सारे कंडीशंस लिख दिए, ऑब्जेक्टिव लिख दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिख दी, स्कोप लिख दी, कब कब ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टेंसेज होंगे जब मैं इस एंगेजमेंट लेटर को रिवाइज कर सकता हूं, अगेन मार्क द क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेज होंगे जब मैं क्या कर सकता हूं, एंगेजमेंट लेटर को रिवाइज कर सकता हूं। लॉजिकली सोचो, लॉजिकली सोचो, मैं जब ऑडिट करने गया था तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में लेट अस से जो चेयरमैन थे वो थे रतन टाटा जी। अब पता चला कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो चेयरमैन बनने वाले हैं वो बनने वाले हैं लेट अस से ओसामा बिन लादेन। ओह माय गॉड, ओसामा बिन लादेन इज गोइंग टू बी द न्यू चेयरमैन, देयर इज गोइंग टू बी अ चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट, आई एम गोइंग टू चेंज द टर्म्स। There is going to be a change in FRF, I'm going to change the terms. There is a change in the reporting requirement, I'm going to change the terms. Similarly, there is a significant change in ownership. पहले जो शेयर होल्डिंग था वो लेट अस से कुछ और लोगों के पास था, लेकिन अब शेयर होल्डिंग का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, अब शेयर होल्डिंग का पैटर्न जो है चेंज हो रहा है, 50% ऑफ shares are being acquired by the ओसामा ग्रुप। मैं क्या करूंगा, फिर से अपने एंगेजमेंट लेटर को रिवाइज करूंगा। There is a significant change in the nature and size of entity. Let us say, जब मैं ऑडिट करने गया था, मैं ऑडिट करने गया था एक कंपनी का रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। अब वो कंपनी अपने आप को कन्वर्ट कर रही है इनटू अ बैंकिंग कंपनी अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। There is a change in the nature and size of entity. मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपना एंगेजमेंट लेटर चेंज करना पड़ेगा, एंगेजमेंट लेटर रिवाइज करना पड़ेगा, एंड फाइनली मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव।
तो सात सर्कमस्टेंसेज हैं, सेवन सर्कमस्टेंसेज हैं जहां पे हम एंगेजमेंट लेटर को रिवाइज कर सकते हैं। जिसमें आप ऑब्जर्व करोगे तो देयर इज अ चेंज इन 3 पॉइंट्स एंड देयर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज इन 2 पॉइंट्स। चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट, चेंज इन एफआरएफ, चेंज इन रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, सिग्निफिकेंट चेंज इन ओनरशिप, सिग्निफिकेंट चेंज इन नेचर एंड साइज ऑफ एंटिटी, देन द रिवाइज टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। तो ये है ऐसे 210, ये है ऐसे 210। अब ऐसे 210 के बाद आप आओगे ऐसे 260 में, ऐसे 260 में कम्युनिकेटिंग विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस, कम्युनिकेटिंग विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस। अच्छा, इस स्टैंडर्ड को स्टार्ट करने से पहले एक सीक्वेंस दूंगा आपके सामने स्टैंडर्ड्स का, एक लॉजिकल एनालिसिस दूंगा स्टैंडर्ड्स का। स्टैंडर्ड्स को हम लोग अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक जो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता हूं वो डिवाइड कर सकता हूं कम्युनिकेशन टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस। प्लीज आप लोग साथ साथ नोट डाउन करते चलना, कम्युनिकेशन टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस। यहां पे दो स्टैंडर्ड्स आएंगे, ऐसे 260 आएगा, 265 आएगा। उसके बाद वी हैव सर्टेन स्टैंडर्ड्स रिलेटिंग टू रिस्क असेसमेंट, यहां पे 240 आएगा, 315 आएगा, 330 आएगा, 570 आएगा, 550 आएगा, 540 आएगा। जनरल ये सारे स्टैंडर्ड्स आएंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड्स आएगा यूजिंग द वर्क, किसी और के काम को यूज करना, 600 आएगा, 610 आएगा, 620 आएगा, 299 आएगा। उसके बाद वी हैव ए रिपोर्टिंग सीरीज, तो रिपोर्टिंग के सीरीज में 700 आएगा, 705 आएगा, 706 आएगा, 710 आएगा, 720 आएगा, एंड देयर इज ऑल्सो ए न्यू स्टैंडर्ड दैट इज इंट्रोड्यूस, 701। उसके बाद एक सीरीज हमारा ऑडिट एविडेंसेस का, तो जनरली 500, 230, 501, 505, 510, 520, 580, ये सारे ऑडिट एविडेंसेस के सीरीज में आएंगे, ये सारे ऑडिट एविडेंसेस के सीरीज में आएंगे। तो ये एक एनालिसिस आप कर सकते हो, और भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं बट मोर ऑर लेस दिस इज द क्लासिफिकेशन। या आप एक एनालिसिस कर सकते हो कि जब भी आप स्टैंडर्ड्स को करोगे अगर इस सिक्वेंस में करोगे तो थोड़ा सा आपके लिए हमेशा क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, थोड़ा सा आपके लिए ईजी हो जाएगा, राइट। तो ये एक एनालिसिस आप ध्यान रखना हमेशा। तो हम कर रहे थे ऐसे 260 कम्युनिकेशन विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस। अब ये स्टैंडर्ड क्या कहता है, ये स्टैंडर्ड क्या कहता है, ये स्टैंडर्ड ये कहता है कि जब भी आप ऑडिट करोगे, जब भी आप ऑडिट करोगे कुछ चीजें आप क्या करोगे, दोज चार्ज विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट करोगे। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में दोज चार्ज विद गवर्नेंस अलग होती है, मैनेजमेंट अलग होती है, और कुछ जो छोटे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहां मैनेजमेंट और दोज चार्ज विद गवर्नेंस वन एंड द सेम होती है, वन एंड द सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल बड़ी कंपनीज जहां ऑडिट कमेटी को कंस्टिट्यूट करना पड़ता है, कौन सी कंपनीज है, लिस्टेड कंपनीज है, फिर उसके बाद अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज है, वहां पे क्राइटेरियाज दिया हुआ है ना, क्राइटेरियाज दिया हुआ है, टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 100 करोड़, बॉरोइंग्स 50 करोड़, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़। तो उनको ऑडिट कमेटी बनाना होता है। अब वहां पे वो ऑडिट कमेटी बन जाती है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, जो वहां पे कंस्टिट्यूट की जाती है, राइट। तो एज ए ऑडिटर मुझे क्या करना पड़ेगा, एज ए ऑडिटर मुझे सर्टेन बातें, इंपॉर्टेंट बातें दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। क्या चीजें कम्युनिकेट करनी होंगी, सबसे पहले मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैं क्लियर कट वे में कम्युनिकेट कर दूंगा कि बॉस व्हाट एम आई रिस्पॉन्सिबल फॉर, मेरी फाइंडिंग्स, जो भी मुझे फाइंडिंग्स मिलने वाली हैं या जो भी डिफिकल्टीज ऑडिट के वक्त मैं फेस करने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट ने मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, मैनेजमेंट ने मेरे को इन्फॉर्मेशन टाइमली नहीं दिया, मुझे बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस। तो इस तरीके से जो भी डिफिकल्टीज मैं फेस करूंगा, जो भी मेरी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स होंगी, मैं मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर दूंगा। उसके बाद लिस्टेड कंपनीज के केस में, लिस्टेड कंपनीज के केस में मैं कम्युनिकेट करने वाला हूं स्टेटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसके अंदर मैं लिखूंगा कि क्या मेरे इंडिपेंडेंस को कोई भी थ्रेट है,
और क्या मैं इंडिपेंडेंटली अपना काम कर पा रहा हूँ, क्या मेरे इंडिपेंडेंस को कोई भी थ्रेट है, और क्या मैं इंडिपेंडेंटली अपना काम कर पा रहा हूँ। एंड फाइनली वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट व्हाट इज द स्कोप ऑफ ऑडिट। फाइनली वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट व्हाट इज द स्कोप ऑफ ऑडिट। ओके, तो कौन कौन से मैटर्स हम दोस्त चार्टर्ड गवर्नेंस को कम्युनिकेट करने वाले हैं, हम कम्युनिकेट करने वाले हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो भी फाइंडिंग्स हैं हमारी, जो भी डिफिकल्टीज हैं, हमारे थ्रेट टू इंडिपेंडेंस अगर कुछ भी है, एंड द स्कोप पार्ट, दैट आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट। अब यहाँ पे एक अमेंडमेंट है, क्या अमेंडमेंट है, तो यहां अमेंडमेंट है कि आउट ऑफ द मैटर्स कम्युनिकेटेड टू दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस द मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स इन द प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ द ऑडिटर शैल बी इंक्लूडेड इन द की ऑडिट मैटर्स पैराग्राफ। देखो लॉजिक बड़ा सिंपल है, पहले जो जो चीज़ें ऑडिटर दो चार गवर्नेंस को कम्युनिकेट करता था वो एक टू वे कम्युनिकेशन था, मगर वो कम्युनिकेशन दरवाजों के अंदर ही सीमित रह जाती थी और मेंबर्स को उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता था। इसीलिए ऑडिट रिपोर्ट में एक नया पैराग्राफ डाला की ऑडिट मैटर्स, और ये कहा कि आउट ऑफ द मैटर्स दैट द ऑडिटर इज कम्युनिकेटिंग टू द दो चार गवर्नेंस द मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स इन ऑडिटर्स जजमेंट शैल बी इंक्लूडेड इन द की ऑडिट मैटर्स पैराग्राफ। अब हम जब कहते हैं कि हम क्या करेंगे, दो साल गवर्नेंस को कम्युनिकेट करेंगे, तो सर जी कम्युनिकेशन के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ऑरल हो सकता है, राइटिंग में हो सकता है, डिटेल्ड हो सकता है, समराइज हो सकता है, स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, नॉन स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। फैक्टर नंबर वन, वेदर ए डिस्कशन ऑफ द मैटर विल बी इंक्लूडेड इन द की ऑडिटर्स मैटर्स पैराग्राफ। जो बैर एक्ट है वहां पे लिखा गया वेदर डिस्कशन ऑफ द मैटर विल बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, लेकिन ऑडिटर्स रिपोर्ट में कहां आएगा, की ऑडिट मैटर्स पैराग्राफ में आएगा। तो जो फैक्टर मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं अगर वो इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं उसे की ऑडिट मैटर्स पैराग्राफ में इंक्लूड करने वाला हूं, तो डेफिनेटली वो कम्युनिकेशन राइटिंग में होगी और डिटेल्ड होगी। फिर उसके बाद लीगल रिक्वायरमेंट क्या था, अगर लीगल रिक्वायरमेंट रिटर्न कम्युनिकेशन का है तो मैं रिटर्न कम्युनिकेशन ही करने वाला हूँ। उसके बाद एक्सपेक्टेशंस ऑफ दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस क्या है, व्हाट इज द डायलॉग बिटवीन द ऑडिटर एंड द दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, वेदर द मैटर हैज बिन कम्युनिकेटेड प्रीवियसली, वेदर मैनेजमेंट हैज प्रीवियसली कम्युनिकेटेड द मैटर, क्या मैटर को रिजॉल्व किया गया है, अगर मैटर को रिजॉल्व किया गया है देन डेफिनेटली माई रिलायंस विल बी डिफरेंट। तो मैं देखने वाला हूँ कि जो मैटर मैं कम्युनिकेट करने वाला हूँ क्या उस मैटर को मैं ऑडिटर्स रिपोर्ट में इंक्लूड करने वाला हूँ, क्या वो मैटर मैंने पहले भी कम्युनिकेट किया है, उसके बाद लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एक्सपेक्टेशंस ऑफ दोस्त चार्ज्ड गवर्नेंस क्या है, मेरा डायलॉग क्या है दोस्त चार्ज्ड गवर्नेंस के साथ, तो ये सारी चीज़ें मैं देखने वाला हूँ। साइज क्या है एंटिटी का, लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, कंट्रोल इन्वायरमेंट क्या है, इन सारी चीज़ों को कंसिडर करने के बाद मैं डिसाइड करूंगा कि मेरा जो कम्युनिकेशन होगा ऑरल होगा, डिटेल्ड होगा, समराइज होगा, कैसे होगा। सो दिस इज एसेट 260। नाउ वी हैव एसेट 265, कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम टू दोस्त चार्ज्ड विद गवर्नेंस। ऑडिट करते वक्त अगर मेरे को इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में कोई डेफिशिएंसी दिखाई दे, डेफिशिएंसी यानी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम या तो एग्जिस्ट ही नहीं करती या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किसी काम की नहीं है, क्या बोला मैंने, या तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करती या तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किसी काम की नहीं है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है डेफिशिएंसी का मतलब, व्हेन द कंट्रोल इज डिजाइंड इंप्लीमेंटेड और ऑपरेटेड इन सच ए वे दैट इट इज नॉट एबल टू प्रिवेंट डिटेक्ट और करेक्ट मिसस्टेटमेंट ऑन टाइमली बेसिस और व्हेन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट करती तो है, लेकिन ना वो प्रिवेंट कर पा रही है एरर्स को,
ना वो डिटेक्ट कर पा रही है मिस स्टेटमेंट्स को, ना वो करेक्ट कर पा रही है मिस स्टेटमेंट्स ऑन अ टाइमली बेसिस, तो वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किसी काम का नहीं है, या फिर जब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता तो मैं क्या करूंगा, जितने भी पोटेंशियल इफेक्ट्स होंगे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की वीकनेसेस का, वो कम्युनिकेट करूंगा टू दोज चार्ज्ड गवर्नेंस। और जिस लेटर में मैं कम्युनिकेशन करूंगा, जिस लेटर में मैं कम्युनिकेशन करूंगा, उस लेटर को कहते हैं लेटर ऑफ वीकनेस। अब ये जो लेटर ऑफ वीकनेस होता है, ये कौन इशू करता है? स्टैचुअरी ऑडिटर इशू करता है मैनेजमेंट को, जिसमें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की लैप्सेस तो होती ही होती हैं, बट क्या क्या रेमेडियल एक्शंस ली जाती हैं वो भी होती हैं। अब कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बराबर नहीं है, कैसे पता चलेगा कि देर आर डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम? इसके कुछ इंडिकेटर्स आपको दिखाई दे सकते हैं, जैसे आपको दिखाई दिया कि कंट्रोल एनवायरनमेंट बराबर नहीं है, आपको दिखाई दिया कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बराबर नहीं है, आपको दिखाई दिया कि जो मिस स्टेटमेंट्स मैंने ढूंढे वो मैनेजमेंट के इंटरनल कंट्रोल ने ढूंढा ही नहीं। मतलब मेरे को क्लियरली ऑन द फेस मिस स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन मैनेजमेंट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम उस मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, इसका मतलब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में कमियां हैं, राइट? तो ये क्या है, कुछ इंडिकेटर्स हैं कि मेरे को आइडिया लग सकता है कि हाँ भाई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डेफिशिएंट है, उनका कंट्रोल एनवायरनमेंट बराबर नहीं है, उनका रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स बराबर नहीं है, जो मिस स्टेटमेंट मैंने ढूंढा है एज ए ऑडिटर वो इनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ढूंढ नहीं पाया था। तो ये कुछ इंडिकेटर्स बन सकती हैं। अब ऐसे 265 में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए वो रहेगा हमारा लिंकिंग विथ 143। याद करो 143 सबसेक्शन 3 क्या कहता है। 143 सबसेक्शन 3 में लिखा है द ऑडिटर शुड रिपोर्ट वेदर द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल इज इफेक्टिव, जो कि एक मेरे लिए मैंडेटरी रिपोर्टिंग है, जो कि मेरे लिए मैंडेटरी रिपोर्टिंग है। तो 143 सबसेक्शन 3 के हिसाब से मुझे रिपोर्ट करना होगा कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिव है या नहीं है। सो दिस इज एज ए 265, ओके। तो ये जो सीरीज है, छोटा सा सीरीज था, कम्युनिकेशन टू दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, ये वाला सीरीज हमने किया है, और एक बेसिक स्टैंडर्ड किया है जिसे हम कॉमन स्टैंडर्ड की कैटेगरीज में डाल सकते हैं, 210, एग्रींग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, कि जब मैं टर्म्स को एग्री करूंगा तो क्या क्या बातें होंगी, जब मैं टर्म्स को एग्री करूंगा तो क्या क्या बातें होंगी। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं रिपोर्टिंग के कुछ पार्ट, और रिपोर्टिंग के पार्ट में भी अभी मेनली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 705 एंड 706, बिकॉज 705 एंड 706 का जो कॉन्सेप्ट है, 705 एंड 706 का जो कॉन्सेप्ट है वो जगह जगह हमारे काम आने वाला है, जगह जगह हमारे काम आने वाला है। तो व्हाट इज ऐसा 705? मॉडिफिकेशंस टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब देखना, जब ऑडिटर रिपोर्ट करता है, जब ऑडिटर रिपोर्ट करता है, यानी कि इन शॉर्ट वो ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, तो उसके अलग अलग ओपिनियंस होते हैं। एक होता है अनमॉडिफाइड ओपिनियन, जो कॉन्सेप्ट कवर्ड है 700 में। एक होता है मॉडिफाइड ओपिनियन, जो कवर्ड है 705 में, और एक होता है इम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, अदर मैटर्स पैराग्राफ, जो होता है 706 में। अनमॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है FRF के हिसाब से है, और ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट कर रही है,
मॉडिफाइड ओपिनियन के हिसाब से होता है, मतलब होता है कि बॉस कुछ ना कुछ तो मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरे ट्रू एंड फेयर तो नहीं है, यानी इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू एंड फेयर। लेकिन जब कभी ऐसा होगा कि मेरे को रिपोर्ट मॉडिफाई नहीं करना, लेकिन कुछ कमी भी है, मेरे को रिपोर्ट मॉडिफाई नहीं करना, मेरे को देना तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन है, बट कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है जो मैं यूजर को बताना चाहता हूँ, जो मैं यूजर को बताना चाहता हूँ, तो उसके लिए होगा हमारे पास इम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर्स पैराग्राफ। तो एक एक करके देखते हैं क्या है ये। ऐसे 705 मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब याद रखिएगा मॉडिफिकेशन के तीन टाइप्स होते हैं, एक होता है क्वालिफाइड, एक होता है एडवर्स, एक होता है डिस्क्लेमर। क्वालिफाइड मतलब क्या, क्वालिफाइड मतलब क्या, मान लो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, लेकिन मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक आधा मिसस्टेटमेंट्स मिल रहा है, मुझे एक आधा कमियां दिखाई दे रही है, एक डेफिशिएंसी दिखाई दे रही है, मेरे को लग रहा है कि अरे बॉस वो जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्लोजिंग स्टॉक 10 लाख से ओवर स्टेटेड है, लेकिन बाकी सब तो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, क्लोजिंग स्टॉक 10 लाख से ओवर स्टेटेड है लेकिन बाकी ओवरऑल पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है ना। जैसे आपने मूवी देखी होगी शोले, तो शोले मूवी के अंदर क्या होता है, शोले मूवी के अंदर कुछ ऐसा होता है कि जो हेमा मालिनी होती है, हेमा मालिनी की मौसी होती है, वो पूछ रही होती है अमिताभ से कि बता वो जो लड़का है वो कैसा है। तो उस वक्त अमिताभ क्या कह रहा होता है, वो कह रहा होता है क्या बताऊं मौसी, क्या बताऊं, वैसे तो बहुत ही अच्छा लड़का है मौसी, बहुत ही अच्छा लड़का है मौसी, बस क्या है थोड़ा बहुत दारू पीता है। क्या दारू पीता है, अरे नहीं मौसी क्या बताऊं मौसी, क्या बताऊं मौसी, वैसे तो लड़का बहुत ही अच्छा है, वो क्या है जुआ में हार जाता है बेचारा, दारू पी लेता है। क्या जुआ भी खेलता है, अरे नहीं मौसी क्या बताऊं मौसी, क्या बताऊं मौसी, वो क्या था कि वो लड़की पिछले साल उसे छोड़ के चली गई थी इसीलिए वो कुछ बुरी आदतें लग गई हैं। अच्छा लड़की भी छोड़ के चली गई थी और बुरी आदतें भी हैं, तो इस तरीके से वहाँ एक कम्युनिकेशन हो रही होती है। यानी क्या कह रहा है वो मौसी, सब कुछ सही है, पहले वो तसल्ली दे रहा है सब कुछ सही है सब कुछ सही है, लेकिन ये कमी है, लेकिन ऐसा ऐसा है। सिमिलरली ऑडिटर क्वालिफाइड रिपोर्टिंग एक्सप्रेस करता है जिसमें वो कहता है एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर एक्सेप्ट फॉर दिस वेरी मैटर्स। तो क्वालिफाइड ओपिनियन में ऑडिटर का लैंग्वेज कुछ इस तरीके से होता है, एज पर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑब्टेन्ड बाय अस वी रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर एक्सेप्ट फॉर। लेकिन एडवर्स मतलब भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 80% मिसस्टेटेड है, सब कुछ खराब है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू एंड फेयर। और डिस्क्लेमर मतलब आई एम नॉट एबल टू फॉर्म ए ओपिनियन बिकॉज द इंफॉर्मेशन वॉज नॉट प्रोवाइडेड टू मी। डिस्क्लेमर मतलब अनएबल टू फॉर्म ओपिनियन, द रीजन इज बिकॉज द इंफॉर्मेशन वॉज नॉट प्रोवाइडेड टू मी। Now to determine whether it's a qualified opinion or an adverse opinion or a disclaimer opinion, there are two parameters that you need to check. The first parameter is materiality and the second parameter is pervasiveness. Yani do parameters apne ko dekhne hote hain. वन इज मेटलिटी एंड अनदर इज परवेसिवनेस। दो पैरामीटर्स देखने हैं। मेटलिटी का मतलब क्या होता है, मेटलिटी इज अ टर्म दैट इज डिफाइंड इन एसे 320, जहां लिखा गया है कि मेटलिटी मीन समथिंग विच कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड परवेसिवनेस मतलब क्या इंपैक्ट है, परवेसिवनेस मतलब क्या इंपैक्ट है। तो देखो अगर मिस स्टेटमेंट इमेटेरियल होगा, अगर मिस स्टेटमेंट इमेटेरियल होगा मैं क्या करूंगा, इग्नोर कर दूंगा। अगर मिस स्टेटमेंट इमेटेरियल होगा मैं क्या करूंगा, इग्नोर कर दूंगा और रिपोर्ट अब भी क्या दूंगा, अनमॉडिफाइड।
अगर मिस स्टेटमेंट इमटेरियल होगा दैट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस आई एम स्टिल गोइंग टू गिव ए अनमॉडिफाइड ओपिनियन. अगर मिस स्टेटमेंट मटेरियल होगा मगर परवेसिव नहीं होगा, मतलब मिस स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट तो है बट पूरे सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका इंपैक्ट नहीं है, पूरे सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका इंपैक्ट नहीं है, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है बस उस पार्टिकुलर एरिया में मिस स्टेटमेंट्स हैं, यहां पे मैं दूंगा क्वालिफाइड रिपोर्ट. लेकिन जब मैं कहता हूं कि मिस स्टेटमेंट्स मटेरियल भी है परवेसिव भी है, ओवरऑल पूरे सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियां हैं, अब मैं दूंगा एडवर्स रिपोर्ट. जब मैं कहता हूं आई एम अनएबल टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन बट आई बिलीव दैट द इंपैक्ट कैन बी मटेरियल एंड परवेसिव, आई एम अनएबल टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन बट आई बिलीव दैट द इंपैक्ट ऑफ द मिस स्टेटमेंट कैन बी मटेरियल एंड परवेसिव, अब मैं दूंगा डिस्क्लेमर कि मेरा इस रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, मेरा इस रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है. क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर. दिस इज हाउ यू फॉर्म द डिफरेंट मॉडिफिकेशन, दिस इज हाउ यू गिव द डिफरेंट मॉडिफिकेशन. बट एग्जाम में अगर आपको कंफ्यूजन हो कि क्वालिफाइड होगा या एडवर्स होगा डिस्क्लेमर होगा, आप सिंपली लिखना क्या लिखोगे, मॉडिफाइड, सिंपली लिखोगे मॉडिफाइड. अगर आपको यह भी कंफ्यूजन है मॉडिफाइड आएगा अनमॉडिफाइड आएगा या फिर क्लीन रिपोर्ट जाएगा, आप लिखोगे कंसिडर द इम्प्लीकेशन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट. क्या लिखोगे? Consider the implications in the auditor's report. Uske baad we have 706. What is 706? Emphasis of matter paragraph and other matter paragraphs in the independent auditor's report. Maan lo, ek example lete hain. Pending litigation. Company ke against pending litigation hai. Aap mujhe ek cheez batao. ये जो पेंडिंग लिटिगेशन है विल इट बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? द आंसर इज यस, फुटनोट में डिस्क्लोज्ड होगा. कैन आई मॉडिफाई द रिपोर्ट? द आंसर इज नो, बिकॉज आई डोंट नो इवन लिटिगेशन में हारने वाला हूं या जीतने वाला हूं. बट शुड द यूजर नो अबाउट इट? आप बोलोगे द आंसर इज यस, यूजर को पता तो चलना चाहिए. क्या यूजर के पास टाइम होगा कि वो पूरे फुल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देख के लिटिगेशन को आइडेंटिफाई कर पाए? आप बोलोगे नो. तो इसीलिए स्टैंडर्ड 706 कहता है कि आप अलग से एक पैराग्राफ बना लो, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ. जो चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑलरेडी डिस्क्लोज है मगर ऑडिटर को लगता है कि वो यूजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑडिटर उस बारे में मॉडिफाई नहीं कर रहा, वो उस मैटर को इंक्लूड कर देगा इन द इंफोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ. कहाँ इंक्लूड कर देगा? इंफोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ. तो सर इंफोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में और अदर मैटर्स पैराग्राफ में क्या डिफरेंस है? अगर वही मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, मगर ऑडिटर को लगता है कि वो यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत रेलिवेंट है, तो ऑडिटर उसे इंक्लूड कर सकता है इन द अदर मैटर्स पैराग्राफ. अगर वो मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूडेड नहीं है और ऑडिटर को लगता है कि वो यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत रेलिवेंट है, तो ऑडिटर उसे कहां इंक्लूड कर सकता है? अदर मैटर्स पैराग्राफ में इंक्लूड कर सकता है. आई होप द डिफरेंसेस आर क्लियर. So this is emphasis of matter paragraph and other matters paragraph. Now we are going to discuss the series of using the work of other auditors. इसमें चारों standards अपने लिए बहुत important है, specially 610 में अपन ज्यादा focus करेंगे using the work of internal auditor जो revised है, इसलिए हमारे exam के लिए ज्यादा important है. So सबसे पहले ऐसे 299 responsibility of joint auditors. देखो logic बड़ा simple है standard का. एक client है मान लो Reliance, काम बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी एंटिटी है, एक ऑडिटर से काम नहीं चलने वाला, इसलिए 139 के हिसाब से मेंबर्स ने क्या किया है, मेंबर्स हैव अपॉइंटेड जॉइंट ऑडिटर्स, मल्टीपल ऑडिटर्स अपॉइंट किए हैं. अब क्या होगा,
वो लोग काम आपस में डिवाइड कर लेंगे, वो लोग काम आपस में डिवाइड कर लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। तो इसकी वजह से क्या होने वाला है, जब वो काम डिवाइड कर लेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड हो जाएंगी। अब वो जो इंडिविजुअल ऑडिटर्स हैं, जो इंडिविजुअल ऑडिटर्स हैं, उसकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, ओनली फॉर द वर्क विच इज़ डिवाइडेड टू हिम। जो इंडिविजुअल ऑडिटर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, ओनली फॉर द वर्क डिवाइडेड टू हिम। ही विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क विच इज नॉट डिवाइडेड टू हिम। ही विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क विच इज नॉट डिवाइडेड टू हिम। ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ओनली विच इज डिवाइडेड टू हिम, विच इज एलोकेटेड टू हिम, राइट। और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, मेरी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सोचो आप, और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी मेरी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो काम मेरे को मिला वो मेरा इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा प्रोफेशनल जजमेंट, भैया मुझे प्रोफेशनल जजमेंट लगाना है, वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे अपने एंड से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू करना है, वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन वर्किंग पेपर्स को बनाना जो कि मुझे एलोकेट किया गया है, उन एरियाज के वर्किंग पेपर्स को बनाना जो कि मुझे एलोकेट किया गया है, मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अब सोच के देखो, लॉजिकली सोच के देखो, जो काम डिवाइड नहीं हुआ, जो काम डिवाइड नहीं हुआ वो क्या हो जाएगी, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। कोई स्टैट्यूट का रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जाम्पल कंप्लायंस विद शेड्यूल 3, वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है क्या, नहीं, वो क्या हो जाएगा, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा, स्टैट्यूट रिक्वायरमेंट। ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट को 700 के सीरीज के हिसाब से बनाना, एंश्योर द कंप्लायंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ये क्या हो जाएगा, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मान लो एक जॉइंट ऑडिटर को पता चला, एक जॉइंट ऑडिटर को एक फ्रॉड के बारे में पता चला अपने एरिया के बारे में, लेकिन उसने क्या कर दिया, ही हैज कम्युनिकेटेड टू द अदर्स। अब सोचो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बन जाएगा हमारा जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस स्टैंडर्ड के अंदर क्वेश्चन आता है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इस स्टैंडर्ड के अंदर क्वेश्चन आता है जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो आई होप क्लियर है, काम मेरे को डिवाइड किया गया, मेरा इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा प्रोफेशनल जजमेंट, मेरी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे अपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू करना है, मेरा इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे मेरी एरिया की रिपोर्ट को एलोकेट कर वर्किंग पेपर्स बनाना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। काम डिवाइड नहीं किया गया, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टैट्यूट रिक्वायरमेंट, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक ऑडिटर को पता चला, उसने सबको कम्युनिकेट करा, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ कैन वन जॉइंट ऑडिटर can rely upon the work of others? The answer is yes, yes, yes. Why? Because all auditors must be chartered accountants. And one joint auditor will assume that the other joint auditor has worked in accordance with the generally accepted auditing procedures since he is a chartered accountant. अब एक last situation standard का बनता है. वो क्या बनता है? मान लीजिए तीन joint auditors हैं, A, B, C, D. द फर्स्ट ज्वाइंट ऑडिटर इज ऑफ द ओपिनियन कि अनमॉडिफाइड रिपोर्ट जाना चाहिए, बी को लगता है अनमॉडिफाइड रिपोर्ट जाना चाहिए, तो ए को लगता है अनमॉडिफाइड रिपोर्ट जाना चाहिए, बी को लगता है अनमॉडिफाइड रिपोर्ट जाना चाहिए, सी को भी लगता है अनमॉडिफाइड रिपोर्ट जाना चाहिए, डी को लगता है मॉडिफाइड रिपोर्ट जाना चाहिए। सवाल ये उठता है, ए को लगता है अनमॉडिफाइड, बी को लगता है अनमॉडिफाइड, सी को लगता है अनमॉडिफाइड, मेजोरिटीज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज अनमॉडिफाइड, इज दिस ओपिनियन बाइंडिंग अपॉन डी? द आंसर इज नो 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 नो, द ओपिनियन इज नॉट बाइंडिंग अपॉन डी, डी इज इंटाइटल्ड टू इश्यू हिज इंडिपेंडेंट रिपोर्ट। राइट, तो यहाँ पे मेनली ऐसे 299 में हमें ये चीज़ें डिस्कस करनी है। नाउ ऐसे 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, कौन है, कौन किसका काम को यूज़ कर रहा है यहाँ पे, यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, प्रिंसिपल ऑडिटर यूज़ कर रहा है ब्रांच ऑडिटर का काम, प्रिंसिपल ऑडिटर यूज़ कर रहा है ब्रांच ऑडिटर का काम। नाउ लॉजिकल से चीज़ सोचो, प्रिंसिपल ऑडिटर ब्रांच ऑडिटर का काम को यूज़ कर रहा है, स्टैंडर्ड कहता है कि बिफोर यूजिंग द वर्क प्रिंसिपल ऑडिटर शुड इवैल्यूएट कॉम्पिटेंस ऑफ अनदर ऑडिटर, लेकिन 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 143 सबसेक्शन 8 में लिखा है कि ब्रांच ऑडिटर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। तो उस हिसाब से मैं क्या करूंगा, प्रिंसिपल ऑडिटर क्या करेगा, हमेशा वो मान के चलेगा कि ब्रांच ऑडिटर कॉम्पिटेंट है बिकॉज ही इज ए मेंबर ऑफ द आईसीएआई। अब
सोच के देखो, प्रिंसिपल ऑडिटर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सारे ब्रांचेज में पर्सनली विजिट कर सके, इसीलिए वो क्या करेगा, वो ब्रांच ऑडिटर के काम को यूज करेगा। अब जब वो ब्रांच ऑडिटर के काम को यूज करेगा तो उसको क्या क्या करना है, ये चीजें लिखी है 600 में। तो यहां लिखा गया है कि ये जो प्रिंसिपल ऑडिटर है ये ब्रांच ऑडिटर को डायरेक्शंस देगा। क्या देगा? डायरेक्शंस देगा। ये जो प्रिंसिपल ऑडिटर है ये ब्रांच ऑडिटर को डायरेक्शंस देगा, इंस्ट्रक्शंस देगा। ही विल आस्क हिम टू रिस्पॉन्ड टू ए क्वेश्चनर। और ये ब्रांच ऑडिटर क्या करेगा, ये ब्रांच ऑडिटर क्या करेगा, ब्रांच ऑडिटर कोऑर्डिनेट करेगा। क्या करेगा? ब्रांच ऑडिटर कोऑर्डिनेट करेगा। ब्रांच ऑडिटर विल रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन एयर। ब्रांच ऑडिटर विल एधर टू द टाइम टेबल। तो ऐसा ही कुछ यहां पे होने वाला है, ऐसा ही कुछ यहां पे होने वाला है। तो प्रिंसिपल ऑडिटर मे गिव डायरेक्शंस इन राइटिंग टू द अदर ऑडिटर रिगार्डिंग द स्पेसिफिक प्रोसीजर्स टू बी डन। ही विल ऑब्टेन सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कि भैया दूसरे का काम मेरे लिए एडिक्वेट है या नहीं है। ही मे रिक्वायर हिम टू फर्निश क्वेश्चन एयर एंड परफॉर्म सप्लीमेंट्री टेस्ट। सबसे ही विल ऑब्टेन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द अदर ऑडिटर दैट सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट हैव बीन कंप्लाइड। वो बोलेगा ब्रांच ऑडिटर को, मेरे को राइटिंग में लिख के दो कि तुमने सारी अकाउंटिंग ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट कंप्लाई कर ली है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर अगर ब्रांच ऑडिटर ने रिपोर्ट को मॉडिफाई किया है तो प्रिंसिपल ऑडिटर कंसिडर करेगा कि उस मॉडिफिकेशन का इम्पैक्ट उसके रिपोर्ट में क्या आने वाला है और क्या उसको भी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। तो इफ देर इज ए मॉडिफिकेशन इन अनदर ऑडिटर्स रिपोर्ट, प्रिंसिपल ऑडिटर शुड कंसिडर वेदर मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड इन हिज रिपोर्ट। और फिर ब्रांच ऑडिटर क्या करेगा, ही विल बी एडहरिंग टू द टाइम टेबल, ही विल बी ब्रिंगिंग टू द अटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑडिटर द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग कंप्लायंस विद द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट रिस्पॉन्डिंग टू द डिटेल्ड क्वेश्चन एयर। फिर यहां पे अच्छे से बताया हुआ है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द प्रिंसिपल ऑडिटर, व्हाट इज द रोल ऑफ द अदर ऑडिटर्स। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। इस इंपॉर्टेंट के साथ पॉइंट के साथ साथ ही हम ऐसे 230 के इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स भी डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे 230 जो स्टैंडर्ड है वो डॉक्यूमेंटेशन का स्टैंडर्ड है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। उसमें कहा गया है कि वर्किंग पेपर्स, वर्किंग पेपर्स पहले बोला गया कि क्या वर्किंग पेपर्स ऑडिटर थर्ड पार्टी को दिखा सकता है, क्या शेयरिंग विद द थर्ड पार्टी अलाउड है क्या? द आंसर इज नो बिकॉज ऑफ द रूल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। फिर बोला गया कि वर्किंग पेपर्स अपने को क्लाइंट के साथ शेयर करना पड़ेगा क्या? तो वहां पे कहा गया है ऐसे 230 रेड विथ SQC 1 वर्किंग पेपर इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर। वर्किंग पेपर ऑडिटर की प्रॉपर्टी है एंड एज सच, एंड एज सच इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर हिम कि वो क्लाइंट के साथ क्लाइंट को भी शेयर करे। वो क्या कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रैक्ट ऑफ वर्किंग पेपर, एक्सट्रैक्ट ऑफ वर्किंग पेपर अपने डिस्क्रेशन में क्लाइंट को दिखा सकता है। अब सिमिलरली क्वेश्चन बनता है, सिमिलरली क्वेश्चन बनता है, ये जो वर्किंग पेपर है शुड ब्रांच ऑडिटर शेयर दी वर्किंग पेपर विथ प्रिंसिपल ऑडिटर। तो अगेन यहां पे भी आंसर आएगा नो, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू शेयर, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू शेयर। ब्रांच ऑडिटर इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर, स्टैचुरी ऑडिटर कैन यूज द वर्क ऑफ द अदर ऑडिटर एज पर 600, बट हाउएवर नथिंग हैज बीन मेंशन इन द स्टैंडर्ड विच सेज दैट कि क्या हो सकता है, तुम उसके वर्किंग पेपर्स को यूज कर सकते हो। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है।
उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड SA 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, SA 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। अब इस स्टैंडर्ड के अंदर दो चीज़ें आपको मिलेंगी, दो चीज़ें आपको मिलेंगी, एक आपको कॉन्सेप्ट दिखेगा यूजिंग द वर्क और दूसरा आपको कॉन्सेप्ट दिखेगा डायरेक्ट असिस्टेंस, दूसरा आपको कॉन्सेप्ट दिखेगा डायरेक्ट असिस्टेंस। क्या डिफरेंस है यूजिंग द वर्क में और क्या डिफरेंस है डायरेक्ट असिस्टेंस में? सबसे पहले अपने को यह टर्मिनोलॉजी समझनी है। मान लीजिए इंटरनल ऑडिटर ने ऑलरेडी अपने इंटरनल ऑडिट पर्पस के लिए एक प्रोसीजर परफॉर्म करा है, और मैंने बोला कि जब इंटरनल ऑडिटर ने ऑलरेडी अपने इंटरनल ऑडिट पर्पस के लिए वो प्रोसीजर परफॉर्म करा है, तो लेट मी डू वन थिंग, रादर देन गोइंग बाय द डिटेल्ड चेक्स, लेट मी जस्ट यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, वो हो गया यूजिंग द वर्क। दूसरा, इंटरनल ऑडिटर ने अभी तक अपने इंटरनल ऑडिट पर्पस के लिए वो प्रोसीजर नहीं करा है, बट स्टैचुअरी ऑडिटर उसे कहता है कि बॉस तू एक काम कर, तू मेरे लिए तू जा तू फिजिकल वेरिफिकेशन कंडक्ट कर, तू मेरे लिए तू जा तू फिजिकल वेरिफिकेशन कंडक्ट कर, तू मेरे लिए ये काम करके मुझे हैंड ओवर कर दे और मैं तुझे डायरेक्ट करूंगा कि तेरे को कैसे काम करना है, मैं तेरे काम को रिव्यू करूंगा, मैं तेरे काम को सुपरवाइज करूंगा, मैं तुझे डायरेक्ट करूंगा, मैं तेरे काम को रिव्यू करूंगा, मैं तेरे काम को सुपरवाइज करूंगा, तू एक काम कर, तू मेरे बिहाफ में ये काम कर और मुझे हैंड ओवर कर दे, उसे कहते हैं डायरेक्ट असिस्टेंस। तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, What are the factors that the external auditor will consider the using by you before using the work of internal auditor? इसका एक alternative question भी बनता है। Evaluation of internal audit function, जहां पे तीन point आती हैं। सबसे पहले आप देखोगे कि जो internal auditors हैं, उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस है और जो पॉलिसीज प्रोसीजर्स है वो उनके ऑब्जेक्टिविटी को सपोर्ट करता है क्या? फॉर एग्जांपल, जिस फर्म का मैं इंटरनल ऑडिटर था वहाँ स्ट्रिक्ट पॉलिसीज थे कि वो क्लाइंट से गिफ्ट नहीं ले सकते, हम लोग क्लाइंट से गिफ्ट नहीं ले सकते, वहाँ स्ट्रिक्ट पॉलिसीज थे कि एक फैमिली से दो आर्टिकल असिस्टेंट्स नहीं आ सकते, यानी कि उन्होंने स्ट्रांग पॉलिसीज बना रखी थी, स्ट्रांग प्रोसीजर्स बना रखे थे टू सपोर्ट द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने अपने फर्म में बहुत ही अच्छे पॉलिसीज बना रखी हैं जो उनके ऑब्जेक्टिविटी को सपोर्ट करता है, तो मैं उनके काम को यूज कर सकता हूं। दूसरा, मुझे चेक करना पड़ेगा लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, क्या चेक करना पड़ेगा लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, एंड तीसरा चेक करना पड़ेगा कि क्या जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन है वो लोग सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन वे में काम कर रहे हैं क्या और क्वालिटी कंट्रोल का ध्यान रख रहे हैं क्या। अगर ये तीन चीजें हैं तो मैं उनके काम को यूज करूंगा, वरना उनके काम को यूज नहीं करने वाला। फिर उसके बाद मैंने काम को यूज करा, अब मुझे ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कौन से एरियाज में काम को यूज करूं, किस एक्सटेंट तक यूज करूं, तो वो डिपेंड करेगा उसके प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर, वो डिपेंड करेगा रिस्क ऑफ मैटरियल मिसस्टेटमेंट के ऊपर, वो डिपेंड करेगा सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट्स के ऊपर, और डिपेंड करेगा ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस के ऊपर। जो अगला कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट असिस्टेंस, अब डायरेक्ट असिस्टेंस चार मैटर्स में एडवाइजेबल नहीं होता, ध्यान रखिएगा डायरेक्ट मैटर्स चार मैटर्स में एडवाइजेबल नहीं होता। पहला, मैटर्स इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट जजमेंट इन ऑडिट, जहां पे स्टैचुरी ऑडिटर का सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल, ये देखना कि अकाउंटिंग एस्टिमेट्स रीजनेबल है कि नहीं है, या गोइंग कंसर्न अजम्पशन को चेक करना, यह रिस्क ऑफ मैटरियल मिसस्टेटमेंट को देखना। तो ये काम मेरा सिग्निफिकेंट जजमेंट है, स्टैचुअरी ऑडिटर को डिसाइड करना है कि एस्टिमेट रिजनेबल है कि नहीं, गोइंग कंसर्न अजम्पशन बराबर से फॉलो हो रही है कि नहीं, रिस्क है या नहीं है, वो मेरा सिग्निफिकेंट जजमेंट वहां पे इन्वॉल्व है, मैं डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लूंगा। मैटर्स ऑन विच रिस्क ऑफ मैटरियल मिसस्टेटमेंट इज हाई, जहां पे रिस्क हाई है, या फिर मैटर्स इन विच इंटरनल ऑडिटर इज ऑलरेडी इन्वॉल्व, या फिर जब इंटरनल ऑडिटर ऑब्जेक्टिव नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है, कैपेबल नहीं है, चार सर्कमस्टेंसेज दिए हुए हैं, आप इसमें फिफ्थ भी ऐड कर लो, व्हेन इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ।
उसके बाद ऐसे 620 यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट। अब एज ए ऑडिटर मुझे जो नॉलेज है वो अकाउंटिंग के फील्ड की है, ऑडिटिंग के फील्ड की है, बट एज ए ऑडिटर अगर मैं बात करूँ, लेट अस से मेरे को देखना है कि वैल्यूएशन बराबर है कि नहीं, बट मुझे वैल्यूएशन करना नहीं आता, तो मुझे यूज़ करना पड़ेगा एक्सपर्ट का काम। और एक्सपर्ट के काम को यूज़ करने से पहले मुझे इवैल्यूएट करना पड़ेगा आस्क यू CID, जो कि एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, दैट इज अजम्पशंस। आप कौन कौन से देखोगे कि जो एक्सपर्ट के अजम्पशंस हैं वो बराबर है कि नहीं, जो एक्सपर्ट का स्कोप ऑफ वर्क है वो बराबर है कि नहीं है, नॉलेज ऑफ एक्सपर्ट बराबर है कि नहीं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सपर्ट वर्क बराबर है कि नहीं, एक्सपर्ट कॉम्पिटेंट है या नहीं, कैपेबल है कि नहीं, इंडिपेंडेंट है कि नहीं, डाटा रिलायबल है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ आप देखोगे, फिर ये एक्सपर्ट का काम यूज़ करोगे और एक्सपर्ट के साथ एक एग्रीमेंट एंटर करोगे। और फिर नोट्स में आपको ये भी मिलेगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेगा कि एग्रीमेंट राइटिंग में होना चाहिए या ऑरली भी काम चल जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है नोट्स के अंदर कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट विल सजेस्ट कि मेरे को डिटेल्ड एग्रीमेंट चाहिए या राइटिंग में एग्रीमेंट चाहिए या फिर नॉर्मल ऑरल एग्रीमेंट से भी काम चल जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको नोट्स में मिलेगा। नॉर्मली कौन कौन से एरियाज में अपन काम यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे अपन कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, लेट से एक्चुअरियल कैलकुलेशन ऑफ लाइबिलिटीज, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, आप बोल सकते हो लीगल इंप्लीकेशन, लीगल इंप्लीकेशन जानने के लिए। इन एरियाज के हम क्या करेंगे, काम यूज करेंगे। तो ये था हमारा 620, ये था हमारा 620। अब मूव करते हैं अपने अगले सीरीज के अंदर, दैट इज ऑडिट एविडेंस। मूव करते हैं अपने अगले सीरीज के अंदर, दैट इज ऑडिट एविडेंस एज ए 500। तो ऑडिट एविडेंस क्या होता है, एविडेंस क्या होता है, अब देखो ऑडिटर को अल्टीमेटली एक ओपिनियन एक्सप्रेस करना रहेगा कि मॉडिफाइड है या अनमॉडिफाइड है, उसके लिए उसे इन्फॉर्मेशन लेना होगा, उसके लिए उसे इन्फॉर्मेशन लेना होगा, जो इन्फॉर्मेशन ऑडिटर लेगा टू सपोर्ट इस कंक्लूजन, दोज आर दी ऑडिट एविडेंसेज, दोज आर दी ऑडिट एविडेंसेज। स्टैंडर्ड में 6 मैथड प्रिस्क्राइब किए हैं टू ऑप्टेन ऑडिट एविडेंसेज। वन इज इंस्पेक्शन, वन इज ऑब्जर्वेशन, थर्ड इज इंक्वायरी कंफर्मेशन, फोर्थ इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन, देन वी हैव रिकैलकुलेशन, री परफॉर्मेंस एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स। इंस्पेक्शन बहुत ही बेसिक टर्म है आप जानते हो, ऑब्जर्वेशन आप जानते हो, एक्सटर्नल रिकंफर्मेशन के लिए अलग स्टैंडर्ड है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स के लिए अलग स्टैंडर्ड है। अब इंक्वायरी देखो, देखने में बहुत ही सिंपल टर्म है इंक्वायरी, मैं क्या करूंगा, मुझे एविडेंस लेना है, मैं इंक्वायरी करूंगा, किससे करूंगा, नॉलेजेबल पर्सन से करूंगा। फाइनेंशियल मैटर्स का भी इंक्वायरी कर सकता हूँ, नॉन फाइनेंशियल मैटर्स का भी इंक्वायरी कर सकता हूँ, इंक्वायरीज ऑरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंक्वायरी, स्टूडेंट्स लिख के आए कि 500 के हिसाब से इंक्वायरी क्या होती है और 500 के हिसाब से हमें ऑडिट एविडेंस लेना होगा। लेकिन आप एक चीज मिस कर गए जो कि मैं हमेशा कहता हूं, लिंकिंग आपका बहुत 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 ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। 143 सब सेक्शन 1 में कहा गया है कि ऑडिटर शुड मेक सर्टन इंक्वायरीज, और आप सजेस्टेड देखोगे तो वो पार्ट भी उन्होंने वहां पर इनकॉर्पोरेट किया है। उसके बाद इस स्टैंडर्ड के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको याद होगा मैंने अभी 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 हमने ऐसे 620 में ऑडिटर्स एक्सपर्ट किया था, उसी तरीके से 500 में मैनेजमेंट एक्सपर्ट होता है। क्या होता है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट होता है। जिस तरीके से ऑडिटर एक्सपर्ट को हायर कर सकता है, उसी तरीके से मैनेजमेंट भी एक्सपर्ट को हायर कर सकता है टू असिस्ट मैनेजमेंट इन दोज कॉम्प्लिकेटेड टास्क ऑफ वैल्यूएशन एंड ऑल दैट। अब एज ए ऑडिटर मेरी मर्जी है, मेरा प्रोफेशनल जजमेंट है, मैं चाहूं तो अपने एक्सपर्ट को हायर करूं या चाहूं तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम को यूज कर लूं अंडर एस ए 500। मैं चाहूं तो अपने एक्सपर्ट को हायर करूं अंडर 620 या चाहूं तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम को यूज कर लूं अंडर एस ए 500। और मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम को यूज करने से पहले फिर से यहां आस्क यू CID वाला फॉर्मूला अपने काम आ सकता है। बिफोर इवेल्युएटिंग द मैनेजमेंट एक्सपर्ट, फिर से वो आस्क यू CID का फॉर्मूला आपके काम आ सकता है। उसके बाद ऐसे 501 ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर स्पेसिफिक आइटम्स। अब यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड थोड़ा सा ब्रॉड है, लेकिन हम एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट में फोकस कर रहे हैं, एक ही पॉइंट है जो एग्जाम में रिपीटेडली पूछा गया है, रिपीटेडली पूछा गया है। अब 501 के हिसाब से ऑडिटर के लिए मैंडेटरी होता है कि वो जाए और वो मैनेजमेंट के इन्वेंट्री काउंटिंग को बराबर से देखे कि मैनेजमेंट इन्वेंट्री काउंटिंग बराबर से कर रही है कि नहीं कर रही। लेकिन दो ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से ऑडिटर काउंटिंग के लिए ना जा पाए। पहला, इम्प्रैक्टिकेबल। इम्प्रैक्टिकेबल मतलब मान लीजिए कि इन्वेंट्री एक ऐसे लोकेशन में है, एक ऐसे लोकेशन में है जहां फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना माइट बी ए थ्रेट टू द लाइफ ऑफ द ऑडिटर। ये एग्जांपल आपके प्रैक्टिस मैनुअल में भी दिया है कि इन्वेंट्री आपके ऐसे लोकेशन में है जहां मान लीजिए फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना माइट बी ए थ्रेट टू द लाइफ ऑफ द ऑडिटर, यानी कि मेरे लिए फिजिकल वेरिफिकेशन करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं परफॉर्म करूंगा ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन द एविडेंसेस।
क्या करूंगा, मैं ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा टू ऑब्टेन सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, एंड इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, मैं रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दूंगा। दूसरा सिचुएशन, मैं नहीं जा पाया इन्वेंट्री के काउंटिंग को ऑब्जर्व करने के लिए ड्यू टू अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेज, यानी लेट अस से एग्जाम्पल मान लीजिए अर्थक्वेक। ऐसा नहीं है कि वहां जाना इम्प्रैक्टिकेबल है, वहां मैं जाता हूं, अक्सर जाता हूं, लेकिन आज नहीं जा पाया ड्यू टू अनफोर्सिन सर्कमस्टेंस। अब मैं क्या करूंगा, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म नहीं करूंगा, ऑल्टरनेटिव डेट में अपने इन्वेंट्री काउंटिंग को रीशेड्यूल कर लूंगा। तो यहां क्या करने वाला हूं मैं, ऑल्टरनेटिव डेट, एंड मैं सर्टेन ऑडिट प्रोसीजर्स भी परफॉर्म करता हूं इस स्टैंडर्ड के अंदर। वो कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स हैं, आई विल बी रिकंसाइलिंग द चेंजेस बिटवीन द डेट ऑफ फिजिकल काउंट एंड द पीरियड एंड डेट। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऑडिट करने गया था, फिजिकल वेरिफिकेशन का जो मेरा डेट था वो था 29 फेब, बैलेंस शीट डेट 31 मार्च। व्हाट आर द चेंजेस इन द इन्वेंट्री बिटवीन दिस डेट्स, मैं इसको क्या करूंगा, रिकनसाइल करूंगा। अगर डिस्क्रिपेंसी है तो डिस्क्रिपेंसी का क्या ट्रीटमेंट दिया गया है मैं वो भी चेक करूंगा। मैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लूंगा मैनेजमेंट से अपनी सेफ्टी के लिए, और मैं देखूंगा प्रॉपर कट ऑफ प्रोसीजर्स फॉलो किया गया है कि नहीं, यानी जिस पीरियड का जो ट्रांजेक्शन है उसको उसी पीरियड में बुक किया गया है कि नहीं किया गया। तो यही वाला पॉइंट है जो 501 में रिपीटेडली पूछा जाता है। उसके बाद ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन। एक्सटर्नल कंफर्मेशन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आप ऑडिट करने जाते हो, जब आप बैलेंस शीट को उठाते हो तो बैलेंस शीट के हर एक आइटम के लिए आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले सकते हो। अकाउंट्स रिसीवेबल लिखा हुआ है तो मैं कंफर्मेशन ले सकता हूं कि भैया सचमुच पैसा मिलने का है कि नहीं मिलने का। क्रेडिटर लिखा हुआ है, मैं क्रेडिटर से कंफर्मेशन ले सकता हूं कि सचमुच कंफर्मेशन देने का है, पैसा देने का है या नहीं देने का। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर मी टू गो एंड कंफर्म, टेक द कंफर्मेशन रिगार्डिंग एवरी आइटम। इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं सिलेक्ट करूंगा कौन से आइटम्स का मुझे कंफर्मेशन लेना है, फिर मैं कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डिजाइन करूंगा, फिर मैं कम्युनिकेट करूंगा कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, फिर थर्ड पार्टी का रिस्पॉन्स आएगा, फिर उस रिस्पॉन्स को मैं इवैल्यूएट करूंगा। मैंने आइटम सेलेक्ट किया, कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डिजाइन किया, कंफर्मेशन रिक्वेस्ट सेंड किया, थर्ड पार्टी का रिस्पॉन्स देखा और इन्फॉर्मेशन इवैल्यूएट किया, कौन कौन से एरियाज में कंफर्मेशन ले सकता हूं, बैंक बैलेंस, अकाउंट्स रिसीवेबल, लोन्स फ्रॉम लैंडर्स, लोन्स टू क्रेडिटर्स, इन सारे एरियाज में कंफर्मेशन ली जा सकती है। अब दो तरीके के कंफर्मेशन रिक्वेस्ट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या, पॉजिटिव का मतलब है रिस्पॉन्स इज मैंडेटरी इन केस ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट। मतलब मैं पूछूंगा, क्लाइंट दिखा रहा है मेरे को कि तेरे को 10 लाख देना है, क्लाइंट को सच है या झूठ है, कंफर्म कर मेरे को बैलेंस। तो मैं उसे बोल रहा हूं तू एग्री करे या ना करे तू मेरे को रिप्लाई जरूर देगा, तू एग्री करे या रिप्लाई ना करे रिप्लाई जरूर देगा। नेगेटिव कंफर्मेशन का मतलब होता है मैं उसे बोलूंगा तू रिप्लाई तभी करेगा ओनली वेन यू डिसएग्री। My client owes you ₹10 lakh. You reply me only in the event of disagreement. If you don't reply, I will assume कि हाँ भैया my client owes you ₹10 lakh. This is what a negative confirmation request is. अब logically सोच के देखो ज़्यादा reliable कौन सा होगा, positive ज़्यादा reliable होगा। यानी कि जब risk का level ज़्यादा हो, mortality ज़्यादा हो, internal control system sound नहीं हो, exception rate high हो, deviations की probability high हो, जब risk ज़्यादा हो, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक हो, या फिर मेटलिटी लेवल ज़्यादा हो या एक्सेप्शन रेट हाई हो, हम यूज़ करेंगे पॉजिटिव कंफर्मेशन। लेकिन जब रिस्क बहुत कम है, मेटलिटी लेवल बहुत कम है, कंट्रोल्स बहुत इफेक्टिव है, एक्सेप्शन रेट बहुत ही लो है, हम यूज़ कर सकते हैं नेगेटिव कंफर्मेशन, हम यूज़ कर सकते हैं नेगेटिव कंफर्मेशन। अब नेगेटिव कंफर्मेशन में सबसे इंटरेस्टिंग बात यही रहेगी कि अगर मेरे को जवाब नहीं भी मिला नेगेटिव कंफर्मेशन का, नॉन रिसिप्ट ऑफ रिप्लाई, इन केस ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन आई कैन नॉट एज्यूम दैट देयर इज अ मिसस्टेटमेंट, बिकॉज नेगेटिव कंफर्मेशन का मतलब ही यही होता है कि भैया तू रिप्लाई तभी करना अगर तू एग्री ना करे। फिर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप गो थ्रू कर लेना, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। भाई एजर्शंस को देखोगे आप,
एजर्शंस को देखोगे, रिस्क को देखोगे, रिस्क कितनी है आप देखोगे, मैनेजमेंट ने ऑथराइज किया था कि नहीं किया था आप देखोगे, जिस पार्टी से कंफर्मेशन लेने वाला हूं वो मेरे को कंफर्मेशन दे भी पाएगा या नहीं देखा दे पाएगा, तो क्या देखोगे, एजर्शंस को देखोगे, रिस्क को देखोगे, मैनेजमेंट ने ऑथराइज किया है कि नहीं, ये चीज चेक करोगे, और जिस पार्टी से कंफर्मेशन लेने वाला हूं वो मेरे को कंफर्मेशन दे भी पाएगा या नहीं दे पाएगा, ये सारी चीजों का ध्यान रखने वाले हो।